भगवान साधु जी कहाँ से आए भाई साहब? गुना से। हैं? गुना से। जो गुना मध्य प्रदेश वालों? हाँ। इतने क्या कर रहे हैं? आपके दर्शन के लिए। वाह वाह, पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार। अच्छा, अर्जी पहली बार लग रही? हाँ। पहले से का हुआ बताओ तो? नहीं है। नहीं बताया। मिल नहीं पाए का दो तीन बार में? नहीं। ठीक, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा, क्या समाधान चाहते हैं? मेरे शरीर में कंपन होता है कई सालों से। कई सालों से? 10 साल तो हो गए। अरे, डॉक्टर को नहीं दिखाया तुमने? नहीं, वो जगह भी फिर आया। अच्छा, गुस्सा क्रोध बना रहता है पूरे शरीर में। मन चाटित क्रोध आता है, तुमको शरीर में दिक्कत बनती है, सफलता भी प्राप्त नहीं हो रही है, प्रेत बाधा का कारण है, 2011 से हैरान है, शारीरिक पीड़ा से ग्रसित है, ब्रेन पर कंट्रोल नहीं रहता है, पूरा शरीर अपने आप आपका कांपने लगता है, प्रेत विद्या की गई है, ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो, सफल भी होगे, प्राप्त करना चाहते नौकरी योग का भी आशीर्वाद है। क्या बात है, एकदम सही, सही है, कोई संदेह? सीताराम सीता। राम राम करवाया हुआ है जी। भेजा गया, इसीलिए औषधि काम नहीं कर रही है, दवा भी काम नहीं करत, और तुमने टोटका उपाय भी करवा लाए, विधान भी करवा लाए, वो भी जीरो आए। अब सुनो उपाय, 7 मंगलवार आपको चोला चढ़वाना है शुद्ध सरसों के तेल का, चमेली का नहीं, शुद्ध सरसों के तेल का। मंगलवार को व्रत रहना, उनके चरणों का चरणों तक पीना, और पीने के बाद में उनका जो प्रसाद है उसी प्रसाद भर को केवल थोड़ा सा पाना है, इतना तुम 7 मंगलवार कर दो। जाओ, भगवान बालाजी ने चाहा, सन्यासी बाबा ने चाहा, तो 9 मार्च 2024 तक पूर्णतया ठीक हो जाओगे, यह 10 साल की समस्या ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की जय। घर के लोग भी बहुत ताना दे रहे हैं, जिस कारण से बहुत व्यथित रहते, बीच में भटक भी गए थे, बीच में मन उच्चाटित हो गया था, गलत रास्ते में चले गए थे, लोगया चरित्र में फंस गए थे, उतन से बड़ी मुश्किल से निकले, उन्हें ब्लैकमेल भी कर दो। हैं? आओ ठीक, मैं नहीं बताया था, हम और कुछ नहीं, बस इतना ही बताएं। ले आओ। आशीर्वाद है। नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत भक्त लड़का है, हनुमान जी का बहुत सेवक है, हमारा बहुत प्यारा चेला है। दोनों पांव पल्लो पल्लो पल्लो, खुश रहो खुश रहो, ले आओ लिफाफा, ले आओ, धर दे, खुशी रहो। अब ना बिगड़ियो, धाम आ जाइयो, अब रोने नहीं, आज से तुम्हें हंसने जा, तुम्हारी हंसी आज से गायब नहीं होगी। क्या मौज कर, ठटरी की रड़वाल की भी ठटरी।